大家。अरे रमेश भैया, तुम तो कृषि लोन लेने गए थे ना, क्या हुआ? खुद बात बनी क्या? अरे नहीं महेश भैया, इतना आसान थोड़ी ना है। बैंक मैनेजर ने बुलाया तो था, पर कह रहे हैं कि लोन देना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अरे काहे मुश्किल लग रहा है, वो खुद ही तो आए थे हमें कृषि लोन के बारे में बताने और हमें प्रोत्साहित भी किया था। मैनेजर साहब तो बहुत ही दयालु और सज्जन आदमी है, वह ऐसा क्यों कहेंगे? आज ही बैंक मैनेजर बदल गए हैं भैया। ओ अच्छा, तो क्या मुश्किल आ गई है लोन देने में? वो कुछ समझाए तो थे पर हमका ठीक से समझ नहीं आया। जब मैंने उनसे विनती की तो बोले कि कुछ खर्चा पानी लगेगा। ये खर्चा पानी का क्या मतलब हो सकता है भैया? छी 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 छी, अरे भैया रिश्वत मांगे थे, रिश्वत। ये सब बैंक वाले ऐसा ही होते हैं। ऐसा ना बोलो भैया, पिछले वाले मैनेजर साहब बहुत ही दयालु और सच्चा आदमी थे। तुम्हारा लोन भी तो उन्होंने ही किया था। हाँ सही कहा था भैया, सारे बैंक वाले एक जैसे नहीं होते हैं। भ्रष्टाचार तो एक बीमारी है, बहुत सारे देश और राज्य में फैल गई है। बहुत सारे लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। पर देखो ना भैया, आज भी ईमानदारी खत्म नहीं हुई है। देश में कितने घोटाले हुए हैं, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, कोयला घोटाला, चारा घोटाला और पता नहीं का निवारण है भैया? इका एक ही निवारण है, संकल्प। नीचे बैठे कर्मचारी भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाएंगे तो ऊपर बैठे मंत्री और अधिकारी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह भ्रष्टाचार की जड़ें हमें ही काटनी होंगी। बंद करो ये, नहीं बनेंगे इसके शिकार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, नहीं बनेंगे इसके शिकार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार।